हेलो दोस्तों, अगर आपके भी इंस्टाग्राम अकाउंट में ये स्वाइप रिप्लाई का ऑप्शन नहीं आ रहा, अब जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे अकाउंट में तो ये आ रहा है। अब यहाँ पर गाइस शायद ये आपके इंस्टाग्राम अकाउंट में नहीं आ रहा। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि आप ये अपने इंस्टाग्राम की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। गाइस ये जो प्रॉब्लम है काफ़ी सारे लोगों को आ रहा है, तो आज की इस वीडियो में इसका सोल्यूशन देने वाला हूँ। बस इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फटाक से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में चले जाना है, और सेटिंग में आने के बाद अब यहाँ पर आपको नीचे आना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ऐप्स पर चले जाना है, और यहाँ पर आपको ऊपर ऐप मैनेजमेंट पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आने के बाद आपको अपने इंस्टाग्राम को फाइंड करना है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर हमारा इंस्टाग्राम है, इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको नीचे स्टोरेज यूसेज का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। और यहाँ क्लिक करने के बाद पहले तो आपको क्लियर कैचा करना है, फिर इसके बाद यहाँ पर आपको क्लियर डाटा करना है, और ये करने के बाद यहाँ से आपको बाहर आना है। अगर किसी वजह से आप यहाँ पर नहीं आ पाते हो तो यहाँ पर आप इस तरीके से भी आ सकते हो। अपने इंस्टाग्राम को कुछ देर के लिए लॉन्ग प्रेस करेंगे, यानी कि दबा कर रखेंगे इस तरह से, और यहाँ पर आपको ऐप इन्फो पर क्लिक करना है आई के बटन पर, और यहाँ पर आप डायरेक्ट भी आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको उसका क्लियर कैच है और क्लियर डाटा दोनों ही कर देना है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको फोर्स स्टॉप कर देना ऊपर, फिर यहाँ से आपको बाहर आना है, और बाहर आने के बाद यहाँ पर आपको प्ले स्टोर में जाना है, अपने इंस्टाग्राम ऐप को अपडेट करना है। गाइस ये अपडेट ना होने की वजह से भी आपको प्रॉब्लम आ जाता है। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो मेरे इंस्टाग्राम में एक अपडेट है, तो इसे अपडेट हम कर लेते हैं। इंस्टाग्राम अपडेट हो जाने के बाद अब यहाँ पर आपको ओपन पर क्लिक करना है, फिर इसके बाद यहाँ पर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट को लॉगिन करनी है अपनी आईडी, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए मैं अपनी आईडी को पहले तो लॉगिन कर लेता हूँ, साइन अप। तो यहाँ पर मेरी जो इंस्टाग्राम की आईडी है वो लॉगिन हो चुकी है। आप जैसे कि देख सकते हो मेरा अकाउंट यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आपको अपने इंस्टाग्राम को इस तरह से बैकग्राउंड से कट कर देना है, और फिर से अपने इंस्टाग्राम को रीस्टार्ट करना है, ठीक है। तो मेरा इंस्टाग्राम रीस्टार्ट हो गया है यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको चले जाना है अपने मैसेंजर बॉक्स में। अब दोस्तों यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि मेरा पहले से ही ठीक था, लेकिन अगर आपका किसी वजह से फिर भी नहीं होता है तो यहाँ पर आपको एक इम्पोर्टेंट काम और करना है। आपको अपने अकाउंट को ओपन करना है, फिर इसके बाद आपको चले जाना है प्रोफाइल पर, ऊपर सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है थ्री लाइन पर, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सेटिंग्स पर जाना है, फिर इसके बाद यहाँ पर आपको हेल्प पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर आपको ऊपर रिपोर्ट ए प्रॉब्लम पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको रिपोर्ट प्रॉब्लम विदाउट सेगिंग पर क्लिक करना है, फिर इसके बाद अब यहाँ पर आपको ऊपर टाइप करना है इस तरह से। आप देख सकते हो डियर इंस्टाग्राम टीम, ठीक है। गाइस ये जो लिखा हुआ है ये मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इसे वहाँ से जाकर कॉपी कर सकते हो। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट को हटा देना है यहाँ से क्लिक करके, और यहाँ से आपको नेक्स्ट करना है। फिर इसके बाद गाइस यहाँ पर आपको सेंड रिपोर्ट पर क्लिक करना है, और गाइस ऐसा करने के बाद आपकी जो ये रिपोर्ट है इंस्टाग्राम को चली जाएगी। जो भी आपको प्रॉब्लम आ रहा था ना, जैसे कि आपका वो स्वाइप रिप्लाई का ऑप्शन नहीं आ रहा था, वो आपको आने लग जाएगा। आपको 24 घंटे का वेट करना होगा, ठीक है गाइस।